इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है पश्चिमी चंपारण के बेतिया से, जहां बलथर थाना कांड का सीसीटीवी फुटेज हमारे चैनल के हाथ लगा है। आपको बता दें कि बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा का दावा था कि मधुमक्खी के काटने से ही अनिरुद्ध यादव की मौत हुई है, वह बिल्कुल सच साबित हुआ। आपको बता दें कि थाने के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ वह इसी बात की ओर इशारा करता है कि पुलिस की पिटाई से अनिरुद्ध यादव की मौत नहीं हुई, बल्कि थाना में मधुमक्खियों के काटने के कारण हुई थी। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि थाने में पुलिसकर्मियों की पिटाई से अनिरुद्ध यादव की मौत हो गई, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे अनिरुद्ध यादव पानी पीने के लिए चापाकल के पास गया, जिस दौरान मधुमक्खियों ने उस पर हमला बोल दिया और उसके बाद वह पास खड़ी मोटरसाइकिल के पीछे छिपने लगा, जिसके बाद वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी ने उसे कंबल दिया और अनिरुद्ध यादव कंबल ओढ़कर वहां से निकला, जिसके बाद उसे नज़दीकी PHC में इलाज के लिए ले जाया गया, जिस दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने यह बात फैला दी कि थाना के अंदर पुलिसकर्मियों ने अनिरुद्ध यादव को बुरी तरह पीट पीट कर मार डाला, जिसके बाद गांव के सैकड़ों लोगों ने थाना पर हमला किया और आगजनी की। लेकिन इस घटना के सीसीटीवी फुटेज के सामने आ जाने से पूरा मामला पानी की तरह साफ हो गया है कि अनिरुद्ध यादव की मौत पुलिस की पिटाई से नहीं बल्कि मधुमक्खियों के काटने से हुई थी। अभी तक के फैक्ट्स और अनुसंधान के आधार पे जो तथ्य सामने आ रहा है, जो प्रथम दिन भी बताया गया था कि प्रथम दृष्टया ये मधुमक्खियों के एक झुंड के द्वारा हमला कर दिए जाने के कारण उसकी मृतक की स्थिति खराब हो गई थी और उनको इलाज में भेजा गया था। अभी भी जो फैक्ट आ रहा है उसी ओर इंगित कर रहा है, क्योंकि थाना पे जो हमला हुआ था तो उस पर सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ कर दिया गया था, लेकिन एक चीज़ उसमें यह रह गई कि जो CCTV का DVR बॉक्स होता है वो सुरक्षित है, तो उससे CCTV फुटेज देखा जा रहा है और कुछ कुछ फुटेज सामने भी आए हैं। उस फुटेज में स्पष्ट दिख भी रहा है कि मधुमक्खियों का एक झुंड हमला किया है और उसके बाद थाना के ही कर्मियों के द्वारा बचाया भी गया है और आगे अस्पताल भेजा गया है, लेकिन पूरी तरह से फुटेज अवलोकन किया जा रहा है। उसके आधार पे जो भी फैक्ट सामने आए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग की कार्रवाई आगे की तय होगी।